बड़ी बेइज्जती की है। और पहले कभी बुलाता बाजवाओं के खिलाफ ऐसा सोहराबती और जान लुटा देता तेरे लिए। तो अब लुटा दे जान। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस पिंड को छोड़ दें। हम सब पिंड छोड़कर चले जाएंगे। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? हम ये पिंड छोड़ के जा रहे हैं मन्नू, हमेशा के लिए। मम्मी हमें पिंड छोड़ के क्यों जा रहे? हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। बैठो गाड़ी में सब लोग। माला फौर चाबी, घर बिके तो पैसा भेज देना। जी मालिक। चलो बैठो। तू क्या खड़ा, चल। चल मन्नू। मैं ना कहती थी अम्बा अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी, तुम दबाकर भाग जाएगी। वैसे भी देखो, तू भी यहीं चला आया उस घर की चाबियों पर लेकर। हाँ वो कहे ना मालिक, जगन बाबू कहे गए थे कि वो घर बेच के पैसे भिजवा दें, लेकिन इस पूरे पिंड में ना तो किसी की इतनी हैसियत है और ना किसी की औकात कि पवनियों का घर खरीद सके, सिवाय आपके। आप ही अगर कुछ मालिक। क्या कहा था तूने? तेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, सर पर छत नहीं, तेरे लिए घर खुद चल के आया, वो भी मेरे दुश्मन होकर। ये ले इनाम समझकर रख ले मेरी तरफ से। इसे कहते हैं शह और मान। ये आपकी जीत की यादगार निशानी रहेगी मेरे पास। ना घर के बाहर कदम मत रखना। जिन्हें जाना था वो चले गए, तू ऊपर जा और शादी की तैयारियां कर। महाशिवरात्रि के दिन शादी है तेरी। बोला बाबू, अगर ये घर मेरा है तो आज रात का खाना आप मेरे घर पर ही खाइएगा। आखिर अब जाकर मिला है मौका आपकी खातिरदारी करने का, अपने तरीके से। रामन, बेटा बेटा मत रो, वरना तेरी तबीयत खराब हो जानी है। चल चल थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं खाया जाएगा। सब मेरी वजह से तो मैं अपने बाप को पहचान नहीं पाया, जिसकी सजा सिमी भुगत रही। प्लीज मेरे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। वाह गिरधारी वाह। वो लगना चाहिए किसी रईस ने घर खरीदता है, तो दिवाली रखनी चाहिए। मालिक मैं चलूं? हाँ जा। और सुन ये ले तेरी बख्शीश। जी मालिक। घर का जो बनेगा वो कर ले लेना। और सुन। जी मालिक। दरवाजा बंद करते हुए जाना। जी मालिक। जा। भोला बाबू आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। ओ मैं बहुत खुश हूं, आज बहुत खुश। परसों का बैर इनके साथ मेरा, इसी दिन का इंतजार था मुझे कि इन पावनियों को पेंट से खदेड़ दो, पर इतनी जल्दी ये दिन आएगा ये नहीं सोचा था। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी गगवाल का राजा बन जाऊंगा, और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है। अच्छा जी, कौन है वो? अरे वही जिसने आज मुझे खाने पे बुलाया। तो आज रात जश्न होना चाहिए। तू कह तो पूरे पिंड को न्योता भेज दूं। अब बच के कहाँ जाओगी? क्या बात है भोला बाबू, आज आप अपने भोलेपन को उतारने के मूड में हैं। क्या बात है अम्बा जी, कुछ छूट गया था क्या? हाँ वही तो ढूंढने आई हूं सबके साथ। जिसके लिए ये महफिल सजाई है उसको तो बुलाओ अंदर। अरे आराम से हरजीत, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? अपने पंचायत वाले हैं, इनके सामने क्या छिपाना, सब कुछ तो सबके सामने ही है। भाई बा तुम क्या नाचती हो? ऐसा तो पेशेवर नाचने वाली ही नाच सकती है। जिस बेशर्मी से तुमने नाच दिखाया है वो और कोई कहाँ दिखा सकता है? ओए ओए चुप कर, तेरे बाप का घर है ये सब हरकतें करनी थी तो कोई होटल छोटल ले लेता, इतने पैसे तो होंगे तेरे पास। इस तरह से चोरी से हमारे इस घर में घुसने की क्या जरूरत है? और रही बात इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, ना ईमान ना धर्म। ये चाहे तो अपने आप को भी बेच सकती है। लेकिन हरजीते, मुझे नहीं पता था तू इतना मंदबुद्धि होगा। ये सब करने के लिए तुझे इस पूरे पिंड में अपने सबसे बड़े दुश्मन का ही घर मिला था। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर पकड़ा गया तो कहां कहां किस किस से मुंह छुपाता फिरेगा। जाई भाई, हमने तो सुना था कि यहाँ मुफ्त में नाचने वाली का नाच देखने को मिलेगा। इधर तो कोठे वाली है। परजाई, ओ भाई, हमने कोई गलती की है? गाना बंद करा दिया। यहाँ कोठों वालों के साथ में लॉन्डो का भी नाच चल रहा है, हम नहीं देख सकते? एक बारी तो देखना पड़ेगा ना। भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ नाच थोड़ा सा। क्यों भाई, थोड़ा नाच के दिखाओ है। नाचो यार। जगन, क्या कर रहा है तू? उनके समधी जी खड़े हैं यहाँ पर, क्यों इज्जत गिरा रहा है उनकी? वैसे डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज है जो इस हरजीत को हुई है? जी, इससे घिरे हुए लोगों में मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। हमें तो बताया गया था कि ये गांव के सबसे इज्जतदार लोग हैं ये, पर ये तो कतई बेशर्मी वाली हरकत है। जब बाप का ये हाल है तो बेटे का हाल क्या होगा? अब तो मुझे लग रहा है कि वो लड़की जो कह रही थी वो सही थी। हम इसी वक्त अभी ये रिश्ता तोड़ते। डॉक्टर साहब रुकिए, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे फंसाया जा रहा है। वो इस औरत ने फंसाया मुझे। इसने मुझे जबरदस्ती दारू पिला के मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। मुझे गलत मत समझिए, ये है ही चरित्रहीन। चला था। डॉक्टर साहब, बताओ हमेशा देखा है लड़के वालों को रिश्ता तोड़ते हुए, लेकिन लड़की वालों को रिश्ता मुंह पे फेंक के मारते हुए पहली बार देखा है। इसे कहते हैं बिना आवाज का तमाचा। बिना आवाज का जो तमाचा होता है ना, उसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है। बेटे की शादी टूटना और अपनी इज्जत का ढीकरा फूटना। मुबारक हो हरजीते। अरे एक और बात सुनता जा, तुझे खुली चुनौती दे रही हूं मैं। जा जाके करके दिखा अपने बेटे की शादी किसी और से। ये अम्बा का वादा है तुझसे। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना, तेरे बेटे की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी कभी भी। जा, चला जाओ। मोहिनी मोहतरमा, सौगात कैसी लगी? ये खेल खत्म नहीं हुआ है अम्बा। मुझे लगा था सबक मिल गया होगा तुझे। पूरे पिंड के सामने तेरी बेइज्जती करवाई थी, लेकिन तू बाज नहीं आई ना। ये दिन आज का मुझे याद रहेगा। इसका जवाब मैं तुझे जरूर दूंगी। कहा था ना, काल बन के रहेगी मोहिनी तेरे और तेरे परिवार पे। जगन, देख ले, इसकी तलाशी तो नहीं लेनी है। पता नहीं क्या क्या इरादे से आई थी यहाँ पर। हाँ जी, और कुछ देखना बाकी है? देख लिया। चलते हैं अम्बा जी, नमस्ते। चलो भाई चलो। परजाई, और भाई मार गया तुझे। क्या कमाल का खेल खेलती है तू भी, हैं? और मेरी सास की भी मार निकली तू। हम पिंड छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ वापस आने के लिए। एक बार अगर हरजीत को विश्वास हो गया कि हम पिंड छोड़कर चले गए हैं, तब हम खेलेंगे अपना खेल। उस मोहिनी और हरजीत के बीच में बहुत साठ गांठ है ना आजकल। पक्का यकीन है मुझे कि उस मोहिनी के कहने पर ही हरजीत ने ये कांड किया है, और अब मोहिनी की अदाई हरजीत को फंसाएगी। अब सुन, एक बंदा लगेगा जो उस कमीने को हमारा ये घर बेचेगा। भाई वाह, परजाई क्या काम किया है। ये ले, हमारे गठबंधन के जीत की पहली मिठाई है, खा ले। कुछ भी कर ले, अपनी सास से कभी मत तोलना। ऐसे एक बात बताओ, बदले का स्वाद ना बड़ा मीठा होता है। और मन्नू सेठ वहां क्या खड़ा? अदरा, अरे भाई हमारी जीत की मिठाई खा। हाले मन्नू, बदले का स्वाद मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। और ये हमारी जीत नहीं है, हमारी हार है। हार है, हार। मन्नू